मिले हैं गौतम भाई, जिन्होंने फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और इधर जो कई प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, ये उसका व्यू है। हमारी ट्रेन फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से अयोध्या की दिशा में चल दी है, और सामने जो रेक खड़ा हुआ है वो फैज़ाबाद दिल्ली एक्सप्रेस का है। फैज़ाबाद जंक्शन और अयोध्या जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जानकारी हम आप लोगों को देंगे। फिलहाल फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फाउंडेशन बनाने का काम अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि फाउंडेशन अभी तक नहीं बनाए गए हैं। हाँ, जहाँ पर यार्ड है, यार्ड के ख़त्म होते ही आउटर पर जो मास्ट लगाने का काम है वो कर लिया गया है, बकायदा 90 डिग्री पर भी सेट है, हम उसका व्यू भी दिखाएंगे। एक और ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि जैसा कि फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया था, लेकिन स्टेशन पर अभी भी फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन ही लिखा हुआ है, फैज़ाबाद जंक्शन लिखा हुआ है। हालांकि इस वीडियो में उसकी तस्वीर नहीं कैड हो पाई है, जो साइन बोर्ड है फैज़ाबाद जंक्शन का उसका व्यू नहीं है इस वीडियो में। तो अभी भी जो ट्रेनें हैं वो फैज़ाबाद लखनऊ या फैज़ाबाद LTT या फैज़ाबाद दिल्ली के नाम से चल रही हैं, और छोटा सा एक व्यू दिखाएंगे फैज़ाबाद और अयोध्या के बीच में। एक फ़ोटो है जिसकी सहायता से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो मास्ट है वो 90 डिग्री पर सेट कर लिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, तो यहाँ पर जो मास्ट लगे हुए हैं वो 90 डिग्री पर सेट कर लिए गए हैं। ये फैज़ाबाद अयोध्या के बीच का हिस्सा है, और चूँकि नाइट का वीडियो है इस वजह से वो क्लियर नहीं आ पाता, तो हमने आप लोगों को तस्वीर के माध्यम से दिखा दिया। अब हमारी ट्रेन अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, और जिस ट्रेन से गौतम भाई सफ़र कर रहे हैं वो उत्सर्ग एक्सप्रेस है 05084, जो फर्रुखाबाद से छपरा के बीच में चलती है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है, और इसके पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो यहाँ पर भी मास्क लगाने का काम ये देखिए कर लिया गया है, बाकायदा 90 डिग्री पर भी सेट कर लिया गया है। और गौतम भाई का कहना है कि अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पर जो वायरिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन स्टेशन पर अभी वायरिंग का काम नहीं पहुंचा है, ऐसा गौतम भाई का कहना है। तो काफ़ी समय बाद अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद से जो वायरिंग का काम है अब अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बहुत जल्द पहुँचने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामने फुट ओवर ब्रिज है, आगे भी हम आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 का नज़ारा भी दिखाते हैं। सामने कैंपेन कोच भी खड़ा हुआ है, देख सकते हैं यूटिलिटी व्हीकल मशीन भी है। ये फुट ओवर ब्रिज है, तो यहाँ से देखेगा ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 का नज़ारा। तो जंक्शन हुआ, जंक्शन हम आप लोगों को बता देते हैं किस वजह से हुआ। तो एक जो रूट है वो फैज़ाबाद की दिशा से आया है, दूसरा जो रूट जाएगा जिस तरह हमारी ट्रेन जाएगी वो शाहगंज की दिशा में जाएगी, तीसरा जो रूट है वो मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि जब हम गोंडा से आगे पढ़ते हैं तो मनिकापुर जंक्शन पड़ता है, और वहीं पर ये मनिकापुर जंक्शन इस रूट से भी कनेक्ट हुआ है। तो अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आगे से अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जो वायरिंग का काम है वो काफ़ी देर में पहुँचा, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग गया, 1.5-2 साल के करीब में। और मेरा मानना ऐसा है कि जब फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा अकबरपुर जंक्शन से लेकर फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, तब हो सकता है कि इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा CRS स्पीड ट्रायल अकबरपुर जंक्शन से फैज़ाबाद जंक्शन तक करा लिया जाए, फिर उसके बाद दूसरे चरण में फैज़ाबाद जंक्शन से बाराबंकी जंक्शन तक करा लिया जाए। फैज़ाबाद जंक्शन से एक और रूट गया है सुल्तानपुर की दिशा में, तो उस रूट पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर आप लोग हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए